तो स्टूडेंट्स, जामिया से एक अच्छी खबर ये आई है कि आपकी सेकंड लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इशू कर दी गई है, जारी कर दी गई है, और इसमें आपको 28 जून और 1 जुलाई को बुलाया गया है, दो दिन। तो दो में से किसी ने एक दिन आप ज़रूर आ जाएं। हालांकि कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि इस रैंक तक या इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक आपको इस दिन पहुँचना है। तो ऑब्वियसली दोनों दिन आपको छूट है, किसी भी दिन आप आ जाइए। कोशिश करिए कि पहले दिन आप आ जाएँ, कोई रिस्क हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग हो सकता है, कुछ कमी हो सकती है डॉक्यूमेंट में, तो उसको आप पूरा करने के लिए कुछ वक्त आ जाएंगे और अपना एडमिशन टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस स्कूल में उन्होंने कितने बच्चों को एडमिशन के लिए बुलाया और टोटल स्टूडेंट कितने बुलाए हैं। जहाँ तक फ़ी का सवाल है, बच्चे बार बार बात करते हैं, सर सर फाइनेंस में कितनी फ़ी लगेगी, तो तकरीबन 30 से 35 हज़ार के बीच फ़ी लगती है। अलग अलग क्लास में थोड़ा आगे पीछे वैरी करती है, 9th में थोड़ी कम होती है, उसके बाद 11th थोड़ी बढ़ जाती है। और जहाँ तक चैनल सब्सक्रिप्शन का सवाल है, वैसे तो हम कहते नहीं किसी को कि चैनल सब्सक्राइब करें, जिसको मर्जी हो सब्सक्राइब करें, कोई ऐसा नहीं है, जोर नहीं होता, लेकिन बेहतर होगा कि आप टाइमली नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, हमारी वीडियो जैसे डले फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, भले ही वो आपको पसंद ना आ रही हो, क्योंकि आपकी ड्यूटी बनती है हमें मोटिवेट करने के लिए, ताकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हम दे सकें। हम अभी तक समझते हैं कि अपना बेस्ट हम नहीं दे पाए हैं, तो हम अपना बेस्ट दे सकें और उधर से आपको मोटिवेट कर सकें कि आप भी अपना बेस्ट दें, आपको हेल्प करें। आपकी थाउजेंड्स रिक्वेस्ट आती हैं, हज़ारों रिक्वेस्ट आती हैं कि आप सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, इस पर बनाइए, इस पर बनाइए, लेकिन हम नहीं बना पाते क्योंकि हम उतने मोटिवेटेड नहीं हैं, उतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो चैनल को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है कि हम मोटिवेटेड रहें, उसके लिए आपको एक ज़रूरी काम करना है कि वीडियो पूरा देखना है, साथ ही साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबाना है और वीडियो लाइक ज़रूर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लिस्ट में कितने बच्चों का नाम आया है, कौन से स्कूल में। देखिए, ये है हमारा पहला स्कूल, तो 11th साइंस यहाँ पर लिखा हुआ है, और कुछ स्कूल का नाम इन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम दिस टू दिस करके स्कूल का नाम, बाकी आपकी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन है और आपका जो स्कोर है वो यहाँ पे मेंशन है। अब देखिए, इन बच्चों का जो मेरिट है वो तकरीबन 90 के आसपास, 90, 86, 87 ऐसे जा रही है, तो बहुत अच्छे, मतलब कहने से अच्छी ऊपर गई है मेरिट काफ़ी। तो पिछले साल जो बच्चे कट ऑफ के लिए जिद कर रहे थे, सर बताइए आप कट ऑफ क्यों नहीं बता रहे हैं, कट ऑफ क्यों नहीं बता रहे हैं, तो ये कट ऑफ नहीं बताने का रीज़न था, क्योंकि कट ऑफ कहीं भी ये तय नहीं करता कि आप इस बार कहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें कट ऑफ को जिद करना अच्छी चीज़ नहीं, कट ऑफ का ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, और देखिए डिपेंड कर गई वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पिछले साल के मुकाबले इस बार काफ़ी ऊपर है ये कट ऑफ। एनीवेज, यहाँ पे जो टोटल बच्चे इन्होंने लिए हैं वो 21 लिए हैं इस स्कूल में, उसके बाद 25 लिए हैं यहाँ पे देखें। उसके बाद दूसरी लिस्ट शुरू हो गई यहाँ पे, जो कि सैयद हैं आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है, और यहाँ पे ये जो स्कूल है वो सेल्फ फाइनेंस है, तो इस लिस्ट में जितने बच्चों का नाम है वो सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी में जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 11 बच्चे तो ये लिए हैं, उसके बाद 14 ये लगे जनरल, उसके बाद कैटेगरी मेंशन किया है मैम 4, 14, 4, 18 और 3, 21 और 1, 22 कैंडिडेट यहाँ पर अब तक ले लिए हैं इन्होंने, 22 कैंडिडेट टोटल। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे कितने बच्चे इन्होंने लिए हैं, ये सेल्फ फाइनेंस जामिया गर्ल्स का, यानी गर्ल्स का सेल्फ फाइनेंस है ये, तो यहाँ पे भी देखिए मेरिट बहुत ऊंची है, 84, 85 हम यहाँ इस वक्त चल रहे हैं, यहाँ देखिए जनरल में 83 फिर ये क्लोज हुई है, और ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, अभी तो एक दो लिस्ट और आनी बाकी हैं, तो उसके बाद कट ऑफ फाइनल होगी, क्लियर। तो यहाँ ऐसे करके देखते हैं टोटल बच्चे कितने लिए हैं, टोटल इन्होंने लिए 61 कैंडिडेट्स 11 साइंस में। अभी होपफुली एक दो लिस्ट और आएंगी, तो जिन बच्चों का नहीं हुआ वो डिप्रेस ना हो, हमने पहले भी कहा कि ये कोई आखिरी लड़ाई नहीं थी जो आपने जीतनी थी, लाइफ जो है हर वक्त आपका इम्तहान लेती है और आपने हिम्मत से वहाँ डटे रहना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह कुछ बेहतर होने वाला है, जिन लोगों का नाम नहीं आया उनके लिए खुदा ने कुछ बेहतर सोच के रखा होगा, तो आप डटे रहिए, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।